नमस्कार, हमारे आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आप लोगों को टेबल क्लॉथ बनाना बताएंगे। यह टेबल क्लॉथ साचा वर्क के जरिए बनाना बताएंगे। इसकी साचा की है 20 इंच लंबाई है, यहाँ से 20 इंच लंबाई और ये चौड़ाई 18 इंच है। 18x20 की साचा वर्क है। देखिए, इस साचा को बनाने के लिए यह 2 इंच वाली कील है, इसे 1.5 इंच पे ठोकेंगे। चारों तरफ इसको 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और ये देखिए 1.5 इंच पे ही पूरे कील को लगाना है। इधर भी 1.5 इंच पे निशान लगा के ठोकते हैं, इधर भी। इस साचा को टेबल के हिसाब से बड़ा या छोटा बनवा सकते हैं, इसे कारपेंटर के पास बनवा सकते हैं। यदि कच्ची जमीन हो तो कच्ची जमीन में भी 1.5 इंच से कील लगा करके इस टेबल क्लॉथ को बना सकते हैं। देखिए, अभी ऊन के जरिए यह टेबल क्लॉथ बना रहे हैं, ऊन वाली टेबल क्लॉथ है, तो चौकोर डिजाइन में बना रहे हैं। हमारा साचा चौकोर है तो उनको इस प्रकार लपेटेंगे। इसकी कील में बांधे हैं, इसमें इसके सीध में ही इसको, इसके लिए ऊन लगेगा 150 ग्राम। यदि आप ज़्यादा घना बनाना चाहें तो 200 ग्राम ले सकते हैं। दो कलर का ऊन है, इस प्रकार 4 या 5 बार जितना ज़्यादा आपके पास ऊन हो इसे लपेटेंगे चौकोर में ऐसे, और इस कलर से ऐसे लपेटेंगे। बस ऊन से ही टेबल क्लॉथ को ऐसे ही बनाना है। देखिए, इसको बचे हुए ऊन से बना रहे हैं। आप भी बचे हुए ऊन से इसको बना सकते हैं। इसको ज़्यादा कड़ा नहीं लपेटना है, नहीं तो साइज छोटा हो जाएगा। साँचा को पहले अपने टेबल के नाप अनुसार बनवा लें। इस डिजाइन को तिरछी आकार में भी लपेट कर बना सकते हैं। अगर आपके पास ऊन ज़्यादा हो तो इसे ज़्यादा घना, ज़्यादा बार इसको लपेटेंगे। आइए अब दूसरा कलर में लपेटना बताएंगे, उसके बाद इसको बांधेंगे। सभी तरफ बांधने के बाद ही किनारों को कैंची से काट के इसको साँचा से बाहर निकालेंगे। देखिए, अब इसको दूसरे कलर में, ज्यादा ऊन है तो इसको ज्यादा बार लपेट सकते हैं। पहले जैसे गुलाबी वाला इसको 5 बार लपेटे हैं, इसको भी 5 बार ही कर सकते हैं। ये हुआ 3 और ये 4, एक बार और लपेटेंगे 5। बस इसी प्रकार अब ये 5 हो गया, यहाँ जाएंगे और इसमें लपेटेंगे। इसके बाद इसे गुलाबी कलर से बीच को गठान लगाते जाएंगे। जैसे गुलाबी ऊन ले लेंगे और ये ज्वाइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ एक गठान लगाएंगे, यहाँ गठान थोड़े मजबूती से लगाएंगे। उसके बाद इन किनारों को काट के इसको बाहर निकालेंगे। यह ऊन वाला टेबल क्लॉथ है। ये इसका भी 5 हो गए, अब 5 इसमें जाएंगे। बस इसी प्रकार लपेटते जाना है। ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत सरल है ये। देखिए, इसको इस प्रकार बांधेंगे। ऐसे ऊन वाली सुई में ऊन पिरो लिए हैं और ऐसे बांधेंगे। इसका बांधना भी सरल है, बस इसको मजबूत ऐसे कस के मजबूती से बांधेंगे। और ये इस प्रकार ये 2 बार हुआ और
इससे एक बराबर ऐसे बैठाना चाहिए। साथ ही जब किनारे से काटें तो यह गुण खिंचाएगा, जब यहाँ से काट के निकालेंगे तो ये खिंचाना नहीं चाहिए। इसी तरह इसको बांटते जाएंगे और काटने के लिए देखिए इसको एक ही तरफ को काटेंगे इधर और इधर, तो भी यह निकल आएगा। यदि आप नहीं काटना चाहें तो भी इसको ऐसे ही उठा के निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है इसको काटे या ना काटे। नहीं काटने से थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं। यह एकदम सरल है बनाने में। बचा हुआ ऊन से इसको बना रहे हैं तो बनाइए आप भी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए यह भी ऊन से ही टेबल क्लॉथ बनाए हैं, इसको तिरछी आकार में बनाए हैं। तिरछी आकार में बनाने के लिए सांचा में ऊन को ऐसे तिरछी आकार में लपेटते जाएंगे तो ये इस प्रकार तिरछी आकार वाला टेबल क्लॉथ बन जाएगा। यदि इसको बहुत बड़ा बनाना चाहें तो कच्ची जमीन में बराबर नाप के ठीक ठोक करके बना सकते हैं।